महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने मतदान किया है। इसी बीच उनके साथ उनके पति रवि राणा भी मौजूद थे। अमरावती लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि हमारा राहुल बाबू अब समझदार हो गया है। अगर किसी को 52 वर्ष समझदारी के लिए लगता है तो उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। ऐसे 52 वर्ष के समझदार को अभी और 50 वर्ष लगेंगे इस देश की महिलाओं का सोना और संपत्ति छीनने के लिए। उम्मीदवार है, सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैदान है, सभी ने सभी का अधिकार है मैदान में लड़ना, और सभी लड़ रहे हैं तो उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं है। पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतदान है तो अमरावती कर ये जरूर जानती है कि विकास के लिए मोदी जी को हमको मतदान करना है, और कमल चिन्ह पे मतदान करके अपने क्षेत्र का और विकास के हित में मतदान होना। बच्चों का काफी आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है। हाँ, हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम जिस तरीके से भी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं बहुत शुभेच्छाएं। कैसा होता है एक परिवार एक क्षेत्र में रहने के बाद, सब हमारा परिवार होता है, पर हमारा देश हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, और देश के विकास के लिए, देश को तीसरे नंबर पे विश्व में लाने के लिए मोदी जी फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मेरी अमरावती कर जितने भी हैं उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया एक बहू के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में, और देश के प्रधानमंत्री के लिए तो सभी के चेहरे पे खिलता हुआ कमल आप आंखों में पढ़ सकते हैं मेरी अमरावती में आज। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।